किसी संख्या को कितनी बार जोड़ना उतनी ही बार गुणा कर देना। कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक गणित की गिनतारा पाठ 5 गुणा, इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं और आप जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया आप उसको दबाकर चैनल से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं अपने सभी पाठ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। तो गुणा मल्टीप्लिकेशन, 2 को हमने यहाँ पर 6 बार जोड़ा, तो बजाय 2 को 6 बार जोड़ने के हम 2 का 6 बार गुणा कर दें या 2 में 6 का गुणा कर दें या 6 में 2 का गुणा कर दें तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बच्ची जो गुल्लक का चित्र दिया है, मोना अपनी गुल्लक में डाले गए रुपए का हिसाब रखती और रोज अपनी गुल्लक में मां से लेकर 25 रुपए डालती, उसे कहते हुए 115 दिन हो गए। अब 115 दिन 25 रुपए रोज डाले गए प्रतिदिन 115 बार, तो ये तो 25 को 115 बार जोड़े तो बहुत अधिक समय और पेपर खर्च होगा, तो हम क्या करेंगे कि 115 दिनों का 25 में गुणा कर देंगे तो हमको अपना जवाब मिल जाएगा। यही है गुणा करने का एक तरीका, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, गुण यानी कि जिसमें गुणा किया जाता और गुणक जिससे गुणा किया जाता, तो हमें प्राप्त हो जाता प्रोडक्ट यानी कि गुणन फल। और गुणा करने का तरीका आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं और हम भी आपको व्हाइट बोर्ड पर जरूर बताएंगे बहुत ही जल्दी। पहले हम पूरी किताब को एक बार देख लेते हैं। तो 25 का गुणा करना तो पहले 5 का पहाड़ा पड़ेंगे और गुणा करने के लिए सबसे छोटे बच्चों को कम से कम 20 तक पहाड़े आने चाहिए, तो 5 का गुणा करेंगे जो भी आएगा ढाई का अंक इधर हासिल में जाएगा, फिर 5 × 5 फिर जो आएगा उसमें जुड़ जाएगा। इस तरह ये गुणा करते हैं, पहले 5 इकाई का 115 गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया 115 में, ढाई या 20 का 115 में गुणा किया। जी यहाँ हम 2 का गुणा या 20 का, इसीलिए यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, पहले से ही 0 का गुणा ना करके हम 0 रख देते हैं और 2 का गुणा करते हैं, यानी कि पहले 5 का गुणा करते हैं फिर हम 20 का गुणा करते हैं और 20 का गुणा ना करके हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 0 उस अंक के नीचे रख देते हैं, यानी कि 0 यहाँ पर 0 मान लिया तो 0 रख देते हैं। वीडियो को पहुँच कर आप इन सवालों को लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, अपने शिक्षक से जाँच भी कराएंगे, बड़े भाई बहन से भी जाँच कराएंगे। तो इस तरह इस सवाल को लगाया गया, देखिए 115 का 125 में गुणा किया गया, तो 125 का गुणा कर रहे हैं 115 में, तो मैं 125 को हम 100 × 20 × 5 भी लिख सकते हैं और उसके बाद 115 का सभी में अलग अलग भी गुणा करने के बाद उसे जोड़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब इस तरह आप यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर आप 6 × 13 का गुणा करेंगे तो 600 का गुणा अलग कर सकते हैं, 10 का गुणा अलग कर सकते हैं, 3 का गुणा अलग कर सकते हैं, जोड़ देंगे, या फिर वही जो पुरातन विधि है वही ट्रेडिशनल विधि उससे भी हम गुणा कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 गुणा करते समय हम केवल 1, 2, 3 का 9 का तक गुणा करेंगे और उसके बाद जितनी बिंदी है जीरो है सॉरी उतनी हम बड़ा शून्य लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक कागज आयताकार कागज को 6 समान पंक्तियों में बांटा है, टुकड़े की उसके बाद 3 स्तंभों में बांट लिया। अब हम 6 × 3 हमारे पास 18 आयताकार कागज के टुकड़े तैयार हुए। अब आप के पास 3 समान पंक्तियाँ और 6 समान स्तंभ इस तरह भी बांट सकते हैं। अब हम 3 × 6 = 18 या 6 × 3 = 18 वही रहेगा, यानी कि जोड़ की तरह उनका क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता, संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता, किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। और हाँ किसी भी संख्या में शून्य का या शून्य में किसी संख्या का गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है। 172 गेंदें ऐसे ही 345 डिब्बों में कुल कितनी गेंदें, एक डिब्बे में इतनी, तो ये वार्तिक प्रश्न है तो उनका हम गुणा ही करेंगे, जब एक का दिया जाए अधिक का पूछा जाए तो गुणा ही करते हैं। 120 महीनों में रीना द्वारा की जाने वाली बचत, एक महीने की बचत 375 तो 120 महीनों में, तो गुणा उसी प्रकार गुणा करेंगे 45,000। हम सीख गए 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या का गुणा करना, 3 अंकों पर आधारित गुणा के इबारती प्रश्न करना। और वीडियो को पॉज कर आप इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। 1 का गुणा करने पर वही संख्या रहती है, 0 का गुणा करने पर हमेशा 0 ही उत्तर आता है। ये पहाड़ा हमारा ये 1 से लेकर और 20 तक ये लॉकडाउन के
अवधि में ये सभी पहाड़े आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसके अभ्यास। ये गुणा के सभी प्रश्न हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कर इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। अलमारी में 25 अलमारियाँ, एक अलमारी में इतनी किताबें, तो एक का दिया जाए अधिक का पूछा जाए तो गुणा ही करते हैं। विद्यालय में 576 विद्यार्थी हैं, ये मध्यान्ह भोजन पर 215 रुपये खर्च होते तो कितना खर्चा होगा, तो भी गुणा ही करेंगे। यहाँ पर एक दुकान में विभिन्न सामानों का मूल्य लिखा है, आप 3 स्कर्ट और 2 फ्राक खरीदने में कितने खर्च, तो 3 का इधर गुणा करिए और 2 फ्राक, 2 का गुणा 245 में करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये था आपका गुणा का पाठ। चलते चलते हम लोग यहाँ पर गुणा की प्राचीन विधि भी सीखेंगे। तो ये गुणा करने की ये विधि होती है कि इकाई का इकाई में गुणा कर दीजिए, ढाई का ढाई में, उसके बाद बीच में ये त्रियक, 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3 और दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 7, 276 इसका उत्तर आ गया, 276 यानी इकाई का इकाई में और ढाई का ढाई में और बीच में इन दोनों का त्रियक गुणा का योग। तो इस तरह कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चैनल से आप जुड़ ही गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि यहाँ पर पढ़ते हैं आप अपने सभी विषय। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।